So hello guys and welcome back again on my YouTube channel The Writing Soul and I am back with another new vlog. So आज का जो भी vlog है वो अपना एक day lifestyle vlog होने वाला कह सकते हो क्योंकि संडे है एंड संडे पे एक राइड होगी. राइड के बाद मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, कुछ बहुत क्रेजी चीज दिखाऊंगा आपको इस vlog में, ठीक है. तो यार व्लॉग में रहो और देखो उसको, अब कंटिन्यू देखो तो लाइक जरूर करो. कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करो, कोई भी आपकी क्वेरीज है कुछ भी है, ठीक है. और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है. ये आ रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा. और व्लॉग के बारे में बात करें तो एक राइड हो रही है, बस छोटी सी राइड है. जा रहे हैं अपना मौलालगंज साइड, वहां पे बहुत अच्छा सा कोई कैफे टाइप का है, कैफे नहीं कह सकते, एक चाय वाय की टपरी. तो सोचा क्यों ना निकला जाए, एक राइड करी जाए. बहुत दिनों बाद शशांक भाई मिलने वाले हैं अपने से, तो मैंने सोचा क्यों ना करा ही जाए यार, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं यार ब्लॉग को, चलो बहुत सुनना पड़ता है ना आप लोग को, ठीक है. तो ऐसे नहीं जा रहा हूँ, रेडी होके जाता हूँ. एक बार रेडी होकर दिखाऊंगा, देखो. सो गाइज रेडी हो चुके हैं हम लोग, क्या मैं ही रेडी हो चुका हूँ. तो बिना आपको टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा, ठीक है. और अभी मैं जा रहा हूँ पीजाई गेट पे, सीधा मिलने वाले हैं मीटिंग पॉइंट पीजाई गेट पे. तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टोल नाके की तरफ, रायबरेली रोड पे जो टोल नाका है, ठीक है. तो बस एक ऐसी नॉर्मल छोटी सी राइड है यार, हो सकता है बहुत अच्छा सा देखने के लिए मिल जाए, इससे निकलते हैं और बिना देरी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट, ठीक है. तो आप लोग भी एंजॉय करो और मिलते हैं सीधा आपको बाइक वाले फ्रेम में. सो गाइज वॉन्ट टू टेल यू दैट कि मेरा माइक ऑफ रहा पूरे रास्ते भर, मेरा माइक ऑफ रहा है एंड मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है. तो कोई नहीं, बट मैं कमेंट्री अभी करके आपको पूरी वीडियो के मज़े देने वाला हूँ और बहुत अच्छी चीज़ हुई है तभी वीडियो मैंने बनाई है, और वरना मैं इस वीडियो को पूरा रद्द कर देता, ठीक है. अभी जा रहा हूँ शशांक भाई के पास, रास्ते में आपको दिख ही रहा होगा, सीधा मिलता हूँ, फिर मैं आगे की चीज़ कंटिन्यू करता हूँ. ओके गाइज, सो गाइज अपन का काफिला निकल चुका है फाइनली रायबरेली रोड टोल नाके की तरफ. और शशांक भाई तो यार शुरुआत से ही चार जो क्या एकदम आ रखे हैं, एकदम आफन मचा रहे हैं. स्टार्ट हो गया अपना रूट, ठीक है. तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, और तब तक के लिए मेरा बोलना शायद मैं सही नहीं है, जो आगे हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. तब तक के लिए आप थोड़े इन्जॉय कर लो म्यूज़िक व्यूजिक के साथ हमारी राइड को, ठीक है. सो गाइज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आगे टोल नाका है, वहाँ पे शशांक भाई को रोक लिया गया है. अब
जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अभी आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पे आगे चल रही है चेकिंग, क्योंकि टोल नाका है एज़ यू नो कि हर बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है, तो वो कोरोना की वजह से हो रही है। अपने पास कोई अभी रिपोर्ट कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे चल के क्या होता है, बहुत शॉकिंग रिजल्ट होने वाला है आप लोग के लिए। मेरे वहाँ जाते ही क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आगे है शशांक भाई, उसको रोक लिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं चेकिंग में क्या होता है, अपने डंडे ना पड़ जाएं यार, मेरे को तो डर लग रहा था उस टाइम। बट आगे चलता हूँ मैं, अभी गाड़ी साइड में खड़े करूँगा, एक कॉप है वहाँ पे, देखना उसको आप गौर करना कि वो क्या मेरे से एक्शन करता है, ठीक है। देखना ये देखो। सो गाइज अब देखो, और ये देखो ये हम लोग को बोलता है जाओ जाओ जाओ, मेरे वहाँ पहुँचते। और शशांक भाई एकदम एकदम कहता है कि यार ये क्या हुआ, एकदम से समझ में नहीं आया उसको कुछ, कि अभी तक तो पेपर मांग रहे थे और अब सडनली जाने के लिए दे रहे हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने देखा मेरे मुँह पे कैमरा लगा हुआ था, एंड इन्हें तुरंत हम लोग को जाने दिया, ठीक है। तो और हाँ, मेन चीज़ ये थी कि ना अपने शशांक भाई के पास का बाइक में कोई पेपर भी नहीं था, वो बस मुझसे बोल ही रहा था कि मैंने बस जैसे ही खोला मैंने देखा मेरे पास पेपर नहीं है, और मैं शॉक्ड हो गया था। तो अब यहाँ से अब हम लोग सीधा रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था, एंड तो आगे ज़्यादा जाना भी नहीं था। हाँ, इस रेस्टोरेंट ये टोल नाके को क्रॉस करते आप के राइट हैंड साइड पे 500 मीटर्स के रेंज में आपको राइट हैंड साइड पे एक ढाबा मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखना। हाँ तो भाई, हो मैं इसी रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैंने चाय वाय पी तो मज़ा आ गया मेरे को। 500 मीटर की रेंज में है ये, तो यहीं पे रुके हम लोग, उसके बाद उन्होंने खाना वाना किया। इसके बाद क्या हुआ ये ज़रूर देखो, ठीक है। सो गाइस अभी अभी यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था, और एक हुआ क्या कि एक डस्टर जो है बहुत तहस नहस हो गई, एक कार वाले के चक्कर में उसने बहुत कस के ब्रेक लगाई और वो वहीं पर घूम गई। घूमने के बाद वो दूसरी लेन पे उछल के गई, लिटरली उछल के गई और व्हीली मारती हुई गई, और पीछे वाले टायर से वो वहाँ आगे जाके रुकी और उसके दोनों टायर फट गए। और बहुत सही हुआ कि किसी को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, ड्राइवर भी जो था वो भी सही है। देखो अभी यहाँ पे ब्रेक्स के निशान, ये देख रहे हो ऐसे इतने कस के ब्रेक लगाए थे उसने गाड़ी वाले ने। अभी मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, एक मिनट। और यहाँ से उधर की साइड चली गई गाड़ी, और पीछे से डाला भी आ रहा था, कोई भी आ सकता था, तो गाड़ी मतलब किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, थैंक्स टू गॉड कि सब सही है फाइनली, ठीक है। और ये देखो ट्रक के, ये ट्रक के निशान है, ट्रक ने भी बहुत कस के ब्रेक मारे थे जैसे ये सामने आई थी। तो वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं गाड़ी के ड्राइवर, देखो कैसे टायर फटा हुआ आगे का, ये इधर की साइड का भी फटा है और इधर की साइड का भी फटा है, ये देखो ये हाल हो रखा है गाइस। तो यही हुआ, थैंक्स टू गॉड कि सब सेफ है अभी, ठीक है। तो चलो अभी आगे का सीन देखते हैं। वापस आ गया हूँ घर पे, और अभी एक्सरसाइज चल रही है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाया, अभी सांस चढ़ी हुई है थोड़ी, तो मैं कह रहा था मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम है ना। तो गाइस अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा, स्पेशली वो पुलिस वाला जिनने हम लोग को जाने दिया, हम लोग टोल नाके पे थे रायबरेली वाले, तो उन्होंने हमें जाने दिया, एंड मेरे को फाइनली एक यूट्यूब की पावर का एक पता चला कि क्या होता है यूट्यूब, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करा, तो गाइस प्लीज़ ऐसे ही आप भी प्यार दो, और कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना है, ठीक है। तो आगे आने वाली भी ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं, मैंने बहुत प्लानिंग करी तब जाके कहीं ना कहीं ब्लॉग आ रहे हैं, ठीक है। अपडेट रहने के लिए इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं किसी बड़े से नेक्स्ट वीडियो में, यू नो द ड्रिल, हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।